छक्का ज्यादा कने लगा लेता आज बड़ोदिया की ओर से दिव्यांग दिव्यांग जहां भी हो यहाँ पर बता रहे उन्होंने शानदार 3 सिक्स मारे थे। ललित जी कलाल भोड़ा की ओर से पर सिक्स 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही आशीष कलाल उन्होंने 5 छक्के मारे। हाँ आशीष जी कलाल आज के मैन ऑफ द मैच भी है। मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे ब्लॉक उपशाला अध्यक्ष सोहन जी कलाल राजेश जी बसंत भाई बसंत जी जितेंद्र जी कलाल कमलेश जी कलाल काजल असा कमले जी अरे नवाब से तो एंटर भेज दो बैट्समैन आ गया। नीचे एक थोड़ी ब्लैक कलर की जो कैप है वो घूम गई है तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे रहे हैं। सोहन लाल जी कलाल भंगड़ा वालों की है ब्लैक कलर की कैप। आशीष कुमार को मैन ऑफ द मैच मिला है। बहुत ही शानदार बैटिंग और शानदार बॉलिंग करी थी। सोहन जी और समाज के तमाम विशिष्ट अतिथि से निवेदन है उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे रहे हैं। फर्स्ट मैच में मैक्सिमम सिक्स मारने वाले प्लेयर है कीर्तेश कलाल बोड़ियावा उन्हें भी पारितोषिक इनाम दे रहे हैं। उन्होंने 2 सिक्स लगाए थे। इस टूर्नामेंट के प्रत्येक मैच में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज को ललित जी कलाल भुंगड़ा निवेदिता ट्रेडर्स की तरफ से पर सिक्स पर 50 रुपए सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले प्लेयर को। भुंगड़ा भव्य 11 की टीम से निवेदन है जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करें। वही दोनों ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में आ गए अपना रोना छींच कीर्तेश कलाल कोड़ीगावा जहां पे भी हो कमेंट्री बॉक्स में आके अपना मार्गदर्शन जारी रहे।
कर्तव्य जी नहीं हो तो उनका भाई आ जाए। ललित जी भोमना से निकल रहे हैं, कीर्ति जी को सर्वाधिक सिक्स लगाने पर उनकी पारितोषिक इनाम राशि दे दो। बैट्समैन और के नाम बताने के लिए और बॉलर के स्ट्राइक एंड पर है नरेश जी गांवड़ी और ऑन स्ट्राइक पर है सुरेश कुमार, वही बॉलिंग एंड पर है आशीष। शानदार है, पहली गेंद पर शानदार गेंद पकड़ा मयूर कलाल की ओर से। कॉमेंट्री के लिए हमारे चिराग कलाल बुड़ीगामा और स्कोरिंग के लिए अंकित कलाल तेजपुर, इन दोनों का काफी योगदान रहा। शानदार गेंद आशीष जी द्वारा अपने स्पेल की पहली गेंद पर। इस कैच पर जितेंद्र जी कलाल नया गांव की तरफ से मयूर भैया को 100 रुपए की इनाम राशि। काफी शानदार कैच मयूर जी के द्वारा। आशीष ने आते ही अपने टीम को एज के रूप में पहले सफलता दिला दी। शानदार गेंदबाजी। नरेश जी का आउट गया, दोनों एक ही गांव के प्लेयर हैं। और एज पर 100 रुपये ललित जी कलाल भुंगड़ा की तरफ से मयूर जी कलाल को। शानदार एफर्ट, शानदार प्रयास मयूर जी का, अच्छा कनेक्ट और अच्छा कलेक्ट। फर्स्ट स्लिप की भूमिका निभा रहे थे, बारीक सी एज लगी, इतने एक्टिव इतने सक्रिय और सीधे दस्तानों में गए। शानदार सुरेश जी, वही नए बैट्समैन आ रहे हैं। पहली गेंद पर पहला विकेट शानदार। टीम भव्य 11 भूंगड़ा, शानदार सितारों से भरी हुई ये टीम। नए बैट्समैन आए हैं लोकेश। आज सुबह से बहुत सारे प्रिंस आ रहे हैं और अभी एक और प्रिंस। अभी तक के जितने मैच हुए सब में प्रिंस तो है। एक बार फिर से बॉलिंग एंड पर आशीष, स्ट्राइक पर है नया बैट्समैन प्रिंस। शानदार फील्डिंग सजावट और शानदार मैच चलता हुआ। शानदार प्रयास आते ही पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शानदार एक बार फिर से आशीष उनका सामना करेंगे प्रिंस। अंपायर बॉल डाउट। अंपायर बॉल नॉट आउट, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन।
बहुत ही शानदार एफर्ट्स रहा था विकेट कीपर जयेश जी का। बहुत ही तेज गति की गेंद समझ नहीं पा रहे, दिशाहीन थी और वाइड करा दी। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग का नजारा। मेन एम्पायर है परवेश, परवेश जी मेन एम्पायर है तो हाथ ऊंचा करते हैं। ओके बहुत ही शानदार इमेज चलता हुआ टूर्नामेंट की। बहुत ही शानदार टीम बीच मैदान में फील्डिंग करती हुई प्ले करने का प्रयास, सही से कनेक्शन नहीं रहा। अच्छा क्लिक फील्डर है आर्यन, शानदार अच्छे फील्डर है, अच्छी भूमिकाएं निभाते हैं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 7 रन। बहुत ही शानदार टीम है, अच्छे अच्छे समाज के अच्छे अच्छे सितारे एक साथ। बॉलर नए आए हैं बादल, वही स्ट्राइकर हैं सुरेश कुमार। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उछलती हुई गेंद समझ नहीं पाएंगे बैट्समैन, अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। मेन अंपायर निखिल जी और लेग अंपायर परवेश जी शानदार अंपायरिंग करते हुए। एक और घोषणा, बादल यदि इस ओवर में विकेट निकालते हैं तो उनके जियाजी विकास जी कलर नया गांव की तरफ से 201 रुपया विकास जी पेमेंट कमेंट्री बॉक्स में दे रहे हैं।
शानदार शॉट फील्डर, उतनी शानदार फील्डिंग। बादल के लिए, यदि बादल इस ओवर में विकेट निकालते हैं तो उनके जियाजी विकास जी नया गांव की तरफ से 201 रुपया। दिशा हेंगे व्हाइट, बहुत ही शानदार मैच रहा था आज का सेकंड मैच। सरस्वती महाविद्यालय बनाओ गोड़िया भी, जिसमें एक रन से दो रन से जीता मैच सरस्वती महाविद्यालय ने। एक बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, समझ नहीं पाए उछली हुई गेंद को बैट्समैन प्रिंस। एक और दिशा हेंगे व्हाइट, हवा में है गेंद, खतरा था रन का खतरा इसी बीच, काफी अच्छी समझ के साथ रन आउट करा दूसरे विकेट का प्रकार बैच के रूप में यादना बैच चलता हुआ। ये डीसीए के इस ग्राउंड में खचाखच दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, काफी शानदार मैच चलता हुआ। भव्य 11 बुमराह बना अपना याराना चीज के बीच, जिसमें अपना याराना चीज ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और अभी तक बीच मैदान में मैच चलता हुआ शानदार स्थिति में, बहुत ही शानदार टीमें दोनों ही। वही फील्डिंग की टीम भव्य 11 बुमराह शानदार समाज के सितारों से भरी हुई। नए बैच में आए हैं बोरीगामा से स्टार प्लेयर, बोरीगामा के स्टार प्लेयर विशाल जी शानदार बैटिंग करते हैं पावर हिटर के नाम से। एक बार फिर से बोली गेंद पर है बादल, उनका सामना करेंगे विशाल। समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
हेलो बोलो बोलो बोल बोल हाँ बोल ये अच्छे फिलहाल हम नाम बता रहे हैं ये सुरेश जी के रूप में लगता हुआ विकेट। हाँ नॉन स्ट्राइक रेंज पर विशाल प्रधान है। यदि विशाल प्रधान छह रन मारते हैं तो धर्मेंद्र जी प्रधान बोरीगवा की तरफ से 6 रुक है। वही बादल और मयूर भैया की मयूर भैया के लिए भी घोषणाएं हैं। बादल अपने नेक्स्ट ओवर में अगर विकेट लेते हैं तो विकास जी और विपिन जी दोनों चिराजियों की तरफ से 200-200 रुपए। और मयूर जी केच और पकड़ते हैं तो जितेंद्र जी के नाम की तरफ से 100 रुपए नया गांव। विपिन जी स्ट्राइकर पर दिशाएंगे राइट। विपिन जी इस ओवर में यदि 6 मारते हैं तो नवीन जी क्लाउड बोरीगवा की तरफ से 1001 रुपया जो कि इनाम मेरे पास आ चुका है। एक बार फिर से दिशा हिंगे एक बार देख रही ग्राम बोलो। विपिन जी इस ओवर में 1 6 लगाते हैं तो 1500 रुपया इनाम राशि मेरे पास आ गई है। नवीन जी का नाम बोरीगवा की तरफ से शानदार ये मैच चलता हुआ समझ नहीं पाया राहुल का खतरा डायरेक्ट
करने का प्रयास, पर सही कनेक्शन नहीं। शानदार टीम भव्या 11 भूमिया के स्पॉन्सर भव्या फोटोग्राफी, रोयल विला हाउस, इधर इंटीरियर वागर स्पोर्ट्स, खुशी एलईडी बल्ब, ये जो नाम है वो भव्या 11 भूमिया के स्पॉन्सर है। शानदार गेम, उतना ही अच्छा प्रयास था उठाकर खेलने का, पर समझ नहीं पा रहे गेम पास को। कल सुबह महादेव टाटा मंगला और राम ग्रुप सजनगढ़ का पहला मैच होगा, दूसरा ब्लैक डायमंड सजनगढ़ मुक्ति 11 डुमर, तीसरा मैच आईवा धैर्य नवरा। शानदार बैट से घुमाए बाउंड्री को, शानदार प्रयास। कल के मैच की घोषणा है महादेव 11 30/12/2023, कल की घोषणा महादेव 11 टाटा मंगला बनाम राम ग्रुप सजनगढ़ के बीच पहला मैच, वही सेकेंड मैच ब्लैक डायमंड सजनगढ़ बनाम मुक्ति 11 डूंगर, वही थर्ड मैच काफी अच्छी गेंद, थर्ड मैच आईवा बनाम धैर्य 11 नया गांव। लगभग सभी सदनगढ़ की टीमें कल एक साथ एक मंच पर, ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 15 रन। शानदार ये मैच, शानदार शॉट, ओए कितनी अच्छी फील्डिंग, बैट्समैन विशाल जी ने, शानदार बैट्समैन है बोरीगांव के धुरंधर बल्लेबाज। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट थ्रो करा पीयूष जी ने, रन आउट विपिन जी के रूप में रखती बहुत बड़ी विकेट। दो बार रन आउट ही हुए हैं, यदि वो बादल के लिए जो पहले घोषणा हुई है वही घोषणाएं जारी अभी भी, उनके जीएसजी विकास जी और विपिन जी दोनों की तरफ से बादल के लिए जो इनाम राशि है वो मेरे पास आ चुकी है। पीयूष कलाल के इस डायरेक्ट थ्रो पर ललित जी कलाल भुमरा निवेदिता ट्रेडर्स की तरफ से 100 रुपए की इनाम राशि जो कि कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी है। नॉन स्ट्राइकर
एंड पर मैं बैट्समैन चिराग हुआ तो हाथ उठा करें ओके शानदार बॉलिंग करते हुए बादल वही स्ट्राइक एंड पर है विशाल देखते हैं कितना विशाल जनक स्कोर खड़ा करवाते हैं अपनी टीम के लिए शानदार प्रयास शानदार गेंद शानदार फील्डिंग ओवर की समाप्ति चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 18 रन चार रन के लिए नुकसान पर नए बॉलर आए हैं आर्यन छोटी कद के अल्पायु के ये बॉलर भव्या 11 भुंगड़ा से डेब्यू करते हुए शानदार एकेडमिक प्लेयर हैं ये आर्यन एम्पायर से अपनी बॉलिंग का स्टांस लेते हुए छोटी गत के प्लेयर बड़े रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे आर्यन उनका सामना करेंगे वही नए बैट्समैन चिराग एक रन आसानी से चुराया वहीं अब स्ट्राइक एंड पर आ गए विशाल अच्छी गेंदबाजी शानदार अच्छे रन के साथ अच्छा स्टार्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डिंग करते हुए बड़ौदिया के धुरंधर प्लेयर लोकेश जी
विशाल उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे उस आर्यन की लेंथ और लाइन को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं आर्यन, उस टप्पे को पकड़ रखा है अच्छी लेंथ के साथ। बहुत ही अच्छी शानदार गेंद, पटकी हुई गेंद, छोटी कद के प्लेयर हैं, बड़ी उछाल रखते हैं गेंद पे। शानदार गेंदबाजी, चालाकी से गेंद करी, चतुराई भरी गेंद, गेंद को गेंद की रफ्तार को नोट कर दिया, शानदार। फिर कीपिंग नहीं मिलती हो, जरा बैक पे बॉल भी छोड़ दे तो फिर कीपिंग करा नहीं मिलती। बहुत ही शानदार ये मैच चलता हुआ एक बार फिर से आ गया। विशाल उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, सही तरह से डेविड बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए, एक बार फिर से डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट शो करने का प्रयास था पर डायरेक्ट हिट नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 19 रन, लॉस ऑफ टू विकेट, सॉरी लॉस ऑफ फोर विकेट। आर्यन ने मात्र एक रन दिया है, काफी शानदार गेंदबाज, काफी शानदार गेंदबाज गेंदबाजी करी, शानदार। डीसीए इस मंच से 29वीं जिला स्तरीय वेगड़ा कला समाज टूर्नामेंट के आयोजकर्ताओं का निवेदन है, जो भी भामाशाह आर्थिक रूप से इस प्रतियोगिता में सहयोग प्रदान करना चाहता है वो कमेंट्री बॉक्स में आकर अपनी जो स्वैच्छिक अनुदान राशि है उसका नाम दर्ज करा दे। बॉलिंग हैंड पर आए हैं पीयूष, उनका सामना करेंगे चिराग। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ, इस मैच के अंपायर न्यूट्रल एक्सपर्ट ट्रांसपेरेंसी का बहुत ही शानदार ध्यान रखते हैं, मैंने पर निखिल और लेग अंपायर परवेश। दिशाहीन गेंद, व्हाइट गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं, गेंद बनाने का अच्छा प्रयास था, बहुत ही शानदार एफर्ट्स लगा लोकेश ने, थोड़ी सी दूर रह गई थी पर बाउंड्री लाइन को चीरती हुई गेंद कमेंट्री बॉक्स के डायरेक्शन में चार रन के लिए। सेकेंड मैच के जो विजेता रहे थे सरस्वती महाविद्यालय के प्लेयर मैन ऑफ द मैच रहे आशीष कुमार, जिन्होंने अनुदान राशि प्राप्त करी है उसका 10% डिस्काउंट
काट कर यहाँ पे जमा करा दे कमेंट्री बॉक्स में। अंकित जी स्कोर और मैं शानदार गेंदबाजी करते हुए पीयूष अच्छा तंबे उठाकर खेल दिया है। लोमान की दिशा में गेंद अच्छे फील्डर जतीन थे वहां पर स्ट्राइक पर आए हैं विशाल। फाइनल की दिशा में खेला गेंद फील्डर बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ते हुए वो गेंद जाती हुई माउंट लाइन के बाहर चार रन के लिए शानदार बैटिंग करते हुए गोली कमा के स्टार प्लेयर विशाल। टीम का स्कोर 29 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। सेकेंड मैच में अंपायर और कमेंटेटर स्कोरर के बीच में 200 रुपए प्रदान राशि प्राप्त हुई थी नंदकिशोर जी बोड़ीगामा की तरफ से। सुरेश जी जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगले मैच के जो अंपायर हैं वो कमेंट्री बॉक्स में टोकन के लिए आए हैं उन्हें टोकन दे रहे बॉलर आर्यन अपना दूसरा और टीम का अपना दूसरा ओवर और टीम का सातवां ओवर लेकर आए हैं आर्यन। टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी समझ नहीं पा रहे बैट्समैन आर्यन की गेंदबाजी को छोटे कद के अल्पायु खिलाड़ी ये उनके जो लास्ट ओवर था उन्होंने मात्र 1 रन दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान में बॉलर आर्यन आगे बढ़कर खेलना चाहते थे पर बीट हुए समझ नहीं पाए गेंदबाज को। अच्छा शॉट खेला और अच्छा फील्डिंग का अभ्यास बादल के द्वारा। घुमा कर खेलने का प्रयास फिर बीट हुए
बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए आ रहा। अभी तक कोई अतिरिक्त रन नहीं दिया विंडी टीम को। बहुत ही अच्छी एक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उस टप्पे को पकड़ रखा है आर्यन ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी समझते पा रहे हैं बैट्समैन। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर, सॉरी 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 32 रन। और आर्यन ने 2 ओवर करे और 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए। शानदार आर्यन ने अपने 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा आर्यन ने। रन आउट का खतरा और अच्छा फर्क। अपना दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं पीयूष। एक गेंद कर दी है। उठाकर खेला है, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग। तो ये बोल्ड हो चुके हैं विशाल। नए बैट्समैन आए हैं बोडीगावा के, सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी स्टार प्लेयर की श्रेणियों में आने वाले नरेश जी। बहुत ही शानदार फुल एक्सपीरियंस से भरे हुए क्रिकेट में बहुत ही रुचि रखने वाले प्लेयर नरेश जी बीच ग्राउंड में स्ट्राइक का छोर संभालते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका इस केपीएल के इतिहास में। नरेश जी के लिए घोषणाएं हो चुकी हैं। अभी नंदकिशोर जी कलाल और स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी कलाल दोनों की तरफ से 100-100 रुपए की इनाम राशि यदि वो 6 लगाते हैं तो। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पीयूष। अच्छा शॉट खेला, फील्डिंग को खेला और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार शॉट खेली नरेश जी ने। इस टूर्नामेंट
के बहुत ही सीनियर और शानदार प्लेयर हैं नरेश जी। केपीएल की हिस्ट्री के टॉप 10 के प्लेयर हैं नरेश जी। बहुत ही शानदार शॉट खेला इसी बीच एक बार फील्डर के पास आती हुई गेंद आसानी से एक रन चुराया। बहुत ही अच्छे बैट और बॉल को कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से टेक्निकल शॉट खेल रहे हैं। और ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 39 रन 39 रन। After complete 8 over, the team score of Uppnaya Rana Chief is 39 run, loss of 5 wicket. दिशा है वाइट। नरेश जी अगर सिक्स लगाते हैं तो नंदकिशोर जी बॉडी का माँ और स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी समोसे वालों की तरफ से भी 100 रुपया। बहुत अच्छा है कीपर जयेश के द्वारा और आउट। शानदार छोटी सी पारी अच्छी सी शॉट के साथ बहुत ही शानदार। नए बैट्समैन हैं नितेश जी अपना चीज और अभी तक वो क्रीज में आए नहीं है और उससे पहले ही घोषणा हो गई है और पेमेंट मेरे अकाउंट में भी आ गया है। यदि नितेश जी सिक्स लगाते हैं तो नवीन जी कलाल की तरफ से 2100 रुपया। ललित जी भोंगड़ा की तरफ से जयेश के इस एफर्ट्स पर इस केस पर 100 रुपए की इनाम राशि। बैलेंस पर जतिन आएगा कहीं देगा टीम का स्कोर 40 रन। थोड़ा बढ़वा दो भाई 20। अच्छी गेंदबाजी फर्स्ट बैटिंग है बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ भव्य 11 भूमिका बना अपना यार चीज के बीच बहुत ही शानदार। मोटी 0 बने 0 राजस्थान एल माइंड है
फिर विकेट को समझ नहीं पा रहे गेंदबाज को। सात विकेट टीम का स्कोर 40 रन 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर। नौ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 40 रन 907 विकेट। स्ट्राइक पर हैं चिराग और नॉन स्ट्राइक पर हैं नए बैट्समैन विमल और बॉलिंग एंड पर आए हैं सौरभ। अंपायर बॉल और ये बॉल समझ नहीं पाए हनी सौरभ की गेंद को सीधा विकेट 44 रन 909 विकेट 20 बनाने में अंतिम दूरी शेष। अरे जतिन बॉल फेंके
आयोजन करता सुरेश जी और अनेक दर्शकों की डिमांड है कि इस टीम में खुद आया सर जतिन है उनको गेंदबाजी दी जाए। बैट्समैन तेज रफ्तार की गेंद समझ नहीं पा रहे बैट्समैन टूट चल में आया स्थिति बन गई है। काफी अच्छा सम्मान वंश के द्वारा फिर से अच्छा सम्मान और की समाप्ति दस ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 44 रन। जिस तरह से आयोजन करता और दर्शकों की उम्मीद की डिमांड थी जतिन जी के हाथ में गेंद मारू और उसी तरह से खराब रफ्तार ने बैट्समैन है स्ट्राइक में विफल और वही बॉलर है जतिन ये अंतिम जोड़ी शेष गेंद है जतिन के हाथों में वही स्ट्राइकर अपनी तलवार लेकर रेडी फटकी हुई गेंद दिशाएंगे एम्पायर ने व्हाइट का इशारा दिया और एक और अतिरिक्त रन जिस तरह से उम्मीद थी जतिन को गेंद थमाने की उसी तरह का कार्य किया और गोल बोल दिया बैट्समैन को ऑल आउट ऑल आउट हो गई अपना याराना छी फोर्टी फाइव रन 46 रन का टारगेट ग्यारहवें ओवर की एक गेंद पर टीम अपना याराना छीज को ऑल आउट कर दिया है मात्र 45 रनों में। वहीं भव्या 11 फुंगड़ा को 46 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शानदार बॉलिंग शानदार फील्डिंग शानदार एफर्ट्स Yeah.
अपना ये वाला चीज के उत्तर से निवेदन है अपनी जल्दी से जल्दी बिल्डिंग की सजावट करें क्योंकि 5:30 पर डीसीए के जो प्लेयर्स हैं उनकी उनकी कोचिंग क्लासेस है तो उन्हें ग्राउंड खाली करके देना है। जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट करें। वहीं बुजुर्ग 11 के कप्तान अपने दोनों सलामी उत्तर बल्लेबाजों को ग्राउंड में भेजे हैं। परवेश जी और निखिल जी दशहरा वाला जहां कहीं भी हो जल्दी से जल्दी ग्राउंड में जाए और मैच स्टार्ट करवाए। परवेश जी थर्मेट की दिशा में भेजे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैदान में जाए। मैंने तो कितने नाम लिखा है करा दिया आजकल मेरे दिल कर रहा है।
अंपायर ग्राउंड में जाए, फील्डिंग टीम आ गई ग्राउंड में। वही दोनों उम्मीदवार सलामी धन्यवाद देश मैदान में जाते हुए मयूर जी और चतरा की और अंपायर अभी तक ड्रिंक ब्रेक ही कर रहे हैं। अंपायर जल्दी ध्यान दे रहे हैं, चाय पानी नाश्ता में इसकी बात कर लेना। अंपायर निखिल जी स्ट्राइक एंड पर है, मयूर जी और ऑन स्ट्राइक पर है चंद्रांकित। बीच मैदान में अंपायर भी जाते हुए मैंने अंपायर जी गए और लेग अंपायर अमरनाथ जी चाय के साथ एंट्री लेते हुए धंधा चाय की चुस्की और चुके हैं। मैंने अंपायर की भूमिका निभाए अनुराग जी, लेग अंपायर प्रवेश भाई हमारी शानदार अंपायर है। ब्रेक ब्रेक का पूरा फायदा उठाया, चाय पानी नाश्ता फुल कम्प्लीट। फील्डिंग की सजावट करते हुए अपना यारा छील स्कॉलर कमेंटेटर और लाइव प्रसारण जो चला रहे हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ता भिजवा रहे। लेकर आ रहे हैं नरेश कुमार, भव्य
कि दोनों में ओपनर सले में सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइक पर है मयूर जी और वही बॉलिंग एंड पर है नरेश जी। उठाकर लेग साइड की दिशा पर खेलने का प्रयास भव्या के स्पॉन्सर भव्या फोटोग्राफी रॉयल गुलाब हाउस इरान इंटीरियर खुशी एलईडी वॉल सोफी आर्ट। उठाकर खेल दिया है गेंद जाती हुई चार रन के लिए मयूर जी के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और अपनी टीम का अकाउंट बढ़ाया शानदार। इस टूर्नामेंट के सीनियर प्लेयर की लिस्ट में आने वाले बहुत ही शानदार प्लेयर मयूर जी बीच मैदान में और थोड़ी सी मिस फील थर्ड मैन का अच्छा प्रयास। इस ओवर में पहली बार और इस स्पेल और इस मैच इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक एंड पर आए चंद्र की खेल लिया है फील्डर के बीच से निकल दी गए चार रनों के लिए। अच्छा शोर पूरे मौके खेल दिया है गेंद जाके बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे छह रन बनेंगे शानदार शॉट शानदार बैटिंग चंद्रांकित के बल्ले से नहीं भाई जी चंद्रांकित जी के बल्ले से सर्वाधिक सिक्स लगाने की लाइन में खड़े हुए चंद्रांकित खुद उनके पिताजी ललित कुमार भुंगड़ा निवेदिता टेडर्स जो प्रत्येक मैच में जो बैट्समैन सर्वाधिक सिक्स लगाएगा उसको प्रत्येक सिक्स पर ₹50। बहुत ही अच्छा एक और रन बॉलर बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं ये से दिशा है उनके लगा
एक और किसान के भाई चंद्रांकित स्ट्राइक वन फाइनल की दिशा में चार रन चार रनों के लिए स्कोर थर्टी टू रन अच्छा कम्बे पूरा उठाकर ही खेलने का प्रयास चंद्रांकित का बार बार अटैकिंग शॉट शानदार शॉट खेला चंद्रांकित ने जब से आए तब से अटैकिंग शॉट्स खेल रहे हैं स्क्वायर द्वार की समाप्ति पर 38 रन मात्र 8 रनों की आवश्यकता 38 रन हो चुके हैं पैसा आज का पेमेंट हमारा 200 रुपया आज का पेमेंट कल के मैच की जो जिम्मेदारी जो उत्तरदायित्व हुआ
वो सौरभ जी बुमरा और कुलदीप जी तामिश्रा दोनों की मेंटरशिप में। सौरभ जी घुमड़ा और पुलकेश जी तामेसा दोनों के नेतृत्व में, दोनों के मेंटरशिप में कल का जो आयोजन होगा वो दोनों की उत्तरदायित्व में होगा। आठ रन की आवश्यकता। दिशाएंगे खेल दिया है बाउंड्री के पास, गेंद जाती हुई कंदनादी चार रनों के लिए, मात्र तीन रनों की आवश्यकता। बहुत ही शानदार अच्छा प्रयास और ये मैच जीत लिया है बुमरा ने, बुमरा 11 बुमरा का। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं आर्यन कलार, जिन्होंने दो ओवर फेंके और मात्र तीन रन दिए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी के लिए छोटी सी एज, छोटी सी आयु, छोटा सा दर्द, तो इतने बड़े मैच में और इतनी बड़ी टीम के साथ बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है। ना कोई अतिरिक्त रन, मात्र दो ओवर फेंके, 12 गेंदों में मात्र तीन रन दिए आर्यन कलार। मैं कमेंट्री बॉक्स में आकर अपने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी ले रहे हैं। आर्यन आर्यन कलार को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है शानदार बॉलिंग करने के लिए। उसके लिए हमारे खानपुर से जयंतीलाल जी, कन्हैयालाल जी और भोगड़ा से ललित जी कलार, और भोगड़ा से अरित जी कलार, कुंडला से दिलीप जी और जितेंद्र जी कलार। कल के मैच, कल का फर्स्ट मैच महादेव 11 टाटा मंगला बनाओ राम ग्रुप सज्जनगढ़, सेकेंड मैच ब्लैक डायमंड सज्जनगढ़ वर्सेस युक्ति 11 डूंगर। वही थर्ड मैच आईवा 11 बनाओ धैर्य 11 नया गांव। और इस थर्ड मैच में
और जो डायरेक्ट हिट और डायरेक्ट जो थ्रो मारा था जिसमें पीयूष कलर अच्छी फील्डिंग अच्छा एफर्ट अच्छे थ्रो के लिए 100 रुपए पारितोषिक इनाम था वो कमेंट्री बॉक्स में आकर ले ले और वही अच्छी बेस्ट कीपिंग और अच्छा प्रयास अच्छा एफर्ट के लिए कीपर के लिए जयेश कलर और अच्छे कैच के लिए मयूर जी कलर तीनों ही प्लेयर से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना पारितोषिक इनाम ले ले। ललित जी बुमरा से निवेदन है तीनों ही प्लेयर्स को कमेंट्री बॉक्स में उनका पारितोषिक इनाम दे रहे हैं। मयूर जी जयेश और पीयूष और इस मैच में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले प्लेयर चंद्रांकित भी कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना इनाम प्राप्त कर ले। थैंक यू। आज के मैच में घोड़ा भी और बड़ी गवा फर्स्ट में घोड़ा बड़ी गवा 11 ने सेकंड में 2 रन से 5 रन विजेता और तीसरे मैच में 10 विकेट से भव्य घुमड़ा। सभी का धन्यवाद इस आयोजन में आप